तो गाइस जब तक इसको उबाला अच्छे से नहीं आएगा तब तक हम इसमें पकोड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि यदि हम इसमें उबाले से पहले डाल दें तो जो बेसन है ना पकोड़ों वाला वो घुल जाता है इसमें कढ़ी में। वेलकम बैक गाइस, अभी मेरी कढ़ी जो है अच्छे से उबल रही है और इसमें हम पकोड़े डाल देंगे। हम इसमें पकोड़े थोड़े ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी ना हो। अब इसको 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो गाइस मेरी कढ़ी बनकर तैयार है, अब मैं इसको प्लेटिंग करने लगी हूँ। ये मेरी प्लेट तैयार है, इस बाउल में डालेंगे हम कढ़ी। तो गार्निश करेंगे हम धनिया के साथ। सो गाइस आप मेरे कमेंट्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ऐसी रेसिपी ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहले कहीं को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।